ब्रह्मा कुमारीज की जॉइंट चीफ राजयोगिनी मुन्नी दीदी का 75वां जन्मदिन शांतिवन के डायमंड हॉल में भव्य तौर पर मनाया गया। दीदी की प्लैटिनम जुबली जो अमृत महोत्सव के तौर पर सेलिब्रेट की गई, जिसकी शुरुआत एक विशाल शोभा यात्रा से हुई। यह यात्रा दादी कॉटेज से लेकर डायमंड हॉल तक निकाली गई। इसके बाद डायमंड हॉल में कल्चरल प्रोग्राम और संगीत संध्या के जरिए दीदी के बर्थडे सेलिब्रेशन की शुरुआत हुई। इस मौके पर मुन्नी दीदी के लौकिक परिवार के साथ ब्रह्मा कुमारीज के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और देश विदेश की वरिष्ठ बहनें भी मौजूद रहें। मुन्नी दीदी समेत सभी वरिष्ठ लोगों का शॉल, पगड़ी, हार और गुलदस्ते से स्वागत किया गया। मुन्नी दीदी को इस दौरान सम्मान पत्र देकर बधाई भी दी गई। जिस दिन का हम सबको इंतजार था वो घड़ी थी राजयोगिनी मुन्नी दीदी के 75वें जन्मदिन की, जिसके लिए लंबे समय से विशाल डायमंड हॉल समेत पूरे शांतिवन को दुल्हन की तरह सजाया गया था। दीदी के प्लैटिनम जुबली कार्यक्रम की शुरुआत कई सारे खूबसूरत गीतों के साथ हुई, जिन्हें शांतिवन मनमोहिनी वन के भाइयों ने खास दीदी के लिए तैयार किया था। किसी ने अपने डांस से तो किसी ने अपनी कविता से दीदी को बधाई दी। वहीं दीदी के लौकिक परिवार के सदस्यों ने लक्ष्मी आरती कर उनके प्रति अपना प्यार जताया। इस मौके पर दीदी को गुलाबों का विशाल हार भी पहनाया गया तो कई सम्मान पत्र और ट्रॉफी भी दी। इंदौर दिव्य कन्या हॉस्टल की कन्याओं ने एक खूबसूरत प्रस्तुति पेश कर सभी की खूब तालियां बटोरी। तो इस मौके पर ब्रह्मा कुमारी चीफ राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी समेत विभिन्न वरिष्ठों ने दीदी को अपनी शुभकामनाएं दी। एक ही अंदर से आवाज आती है, मुन्नी बहन आपका स्वास्थ्य सदा ठीक रहे और आप जैसे दादी जानकी, दादी प्रकाशमणि, दादी गुलजार और दादियों ने सेवा करते 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 बाबा की गोद ली, तो आप सेवा करते 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 मैं कहता हूँ 100 नहीं 125 साल तक जिए। इतना सारा कारोबार संभालना ये तभी हो सकता है अगर किसी में कुछ बहुत बहुत विशेषताएं हों। हम सब ज्ञानी आत्माएं हैं, हमको पता है कि लक्ष्मी को दुनिया वाले रुपया पैसा मानते हैं, पर हम लोग तो जानते हैं रुपया पैसा तो परछाई है, लक्ष्मी के अंदर लक्षण होते हैं और वो लक्षण जो हैं मुन्नी बहन ने अपने अंदर धारण किए हैं। कार्यक्रम का समापन विशाल बर्थडे केक काटकर किया गया। दीदी की 75वीं वर्षगांठ पर देश विदेश की वरिष्ठ बीके बहनों ने उन्हें शुभकामना संदेश भेजकर जन्मदिन की बधाई दी, साथ ही उनकी लंबी आयु की कामना भी की। चलिए देखते हैं ऐसे ही कुछ बधाई संदेश। मुन्नी बहन आपकी बहुत बहुत विशेषताएं आज हम सारे परिदेवी परिवार के सन्मुख है, इसलिए आज आपके 75वें
जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मुनि दीदी ने बहुत सुंदर अपना पाठ बजाया साकार बाबा के साथ, फिर बाद में दादियों और दीदी, बड़ी दीदी के साथ भी, और उसके बाद फिर मोहिनी दीदी के साथ, और आज मुनि दीदी अपने स्टेज पर ऐसे खड़ी है, सारे एंजल्स आपके आजू बाजू घूम रहे हैं और उसमें आप बहुत ही सुंदर पाठ बजा रहे हैं। मुझे याद आते हैं वो दिन छोटेपन से आपके दीदी के पास और दादी के पास, आपने कितने अटेंशन से और प्रेम से हर एक कर्तव्य आज्ञाकारी बन करके किया, और आपकी ग्रहण करने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति और सीखने की कमाल की शक्ति, आपने सबके गुण अपने जीवन में ग्रहण किए। आदरणीय मुन्नि दीदी जी, आप तो कंप्यूटर माइंड एक्टिव अलर्ट अथक होकर के एक्यूरेट बाबा की जिम्मेवारियों को संभालते हुए भी बहुत लाइट और माइट हमेशा दिखाई देती हैं। मुन्नि दीदी की सालगिरह समारोह के अगले दिन राजयोगी ब्रह्मा कुमार निर्वैर भाई जी का 85वां जन्मदिन भी डायमंड हॉल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर निर्वैर भाई जी समेत सभी वरिष्ठ भाई बहनों को फूलमाला, गुलदस्ते और चुन्नी पहनाकर सम्मान किया गया, तो सभी ने निर्वैर भाई जी को गुलदस्ते देकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मधुरवाणी ग्रुप ने एक फरिश्ते का जन्मदिन गीत गाकर पूरी महफिल को सुरमई कर दिया, तो घाट कोपर मुंबई की कुमारी जसोदा ने स्वागत नृत्य पेश किया। इसके अलावा इंदौर हॉस्टल की कुमारियों ने अपनी शानदार डांस परफॉर्मेंस से सभी का मनोरंजन किया। इसके अलावा संस्था के जॉइंट चीफ बीके संतोष दीदी समेत कई पदाधिकारियों ने अपने शुभकामना संदेश दिए। हमारे ऊपर बाप दादा की तरह, दादियों की तरह आप वरिष्ठ भाई की भी छत्र छायाएं, बाबा से रिक्वेस्ट है ये छत्र छाया सदा हमारे ऊपर बनी रहे। ब्रह्मा कुमारीज यूरोपियन डायरेक्टर राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी को ब्रह्मा कुमारीज की संयुक्त मुख्य प्रशासिका और ज्ञान सरोवर एकेडमी की सीनियर डायरेक्टर बनाया गया है। उनकी यह नियुक्ति राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी की जगह पर की गई है। मैनेजमेंट कमेटी के सभी सदस्यों ने सुदेश दीदी के नाम पर सर्वसहमति जाहिर की, जिसके बाद सुदेश दीदी को यह जिम्मेवारी सौंप दी गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें, कई दशकों से सुदेश दीदी विदेश में सेवाएं दे रही थीं। अब इस नए पदभार के बाद दीदी विदेश के साथ भारत की सेवाओं को ज्ञान सरोवर में रहकर देखेंगी, और भरूच की प्रभा दीदी भी उनकी सहयोगी रहेंगी। सुदेश दीदी ब्रह्मा कुमारीज की उन चुनिंदा बहनों में से एक हैं जिनमें ज्ञान की बेहद गहराई है। यही वजह है कि शिव बाबा अपनी वाणी यानी मुरली में उन्हें ज्ञान की बुलबुल कहकर पुकारते हैं। सुदेश दीदी जी का ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो से भी गहरा नाता रहा है, और वे अक्सर कई कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए यहां आती रही हैं। सुदेश दीदी की इस उपलब्धि पर पूरा गॉडलीवुड परिवार उन्हें दिल से बधाई देता है। आज फिलहाल इतना ही, अब लेता हूं आपसे इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।